अर्धापुर नगर पंचायत के अमिताबाद में वार्ड नंबर 10 जो जर्नल जुमरे के लिए मुख्तस था, इस हलके से शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। इस हलके में जुमला 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस के मिर्जा अख्तरुल्ला बेग के साथ था। मिर्जा अख्तरुल्ला बेग अर्धापुर के अहम सियासी कायदेन में शुमार होता है, और जहाँ तक शायद इस बात का इल्म है, वो कभी शिकस्त हासिल नहीं करे। लेकिन इलाके के नौजवान मुख्तदिर खान सिकंदर खान ने गुज़िश्ता कई सालों से इलाके में मुख्तलिफ सियासी समाजी खिदमत अंजाम दे रहे थे। इलाके के राय दहिगान ने इस मरतबा इनको कामयाब करने का तहिया कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि मिर्ज़ा अख्तरुल्ला बेग को 394 वोटों से शिकस्त उठानी पड़ी। पूरे अर्धापुर में अख्तरुल्ला बेग की शिकस्त और मुख्तदिर खान सिकंदर खान की कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं। मुख्तदर पठान बहुत अच्छा आज चुन के आए, और बहुत सारे बच्चों ने उनके हाथ से बहुत मेहनत करे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो ये रिज़ल्ट आया है, ये एक दुआओं का नतीजा है। बेशक ये एक दुआओं का नतीजा है। वार्ड क्रमांक 10 के जो लोग थे, ये लोगों ने एक ऐसा करिश्मा करके बताया जो लोग बाहर के लोग सोच नहीं सक रहे अभी तक। ये जो सीट थी, ये सीट नांदेड़ ज़िले के ऐतिहासिक एक सीट में से सीट थी, जिसका हर नांदेड़ ज़िले के पॉलिटिशियन लोगों के ज़बान पे ये नाम था कि वार्ड नंबर 10 की सीट का क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड नंबर 10 के लोगों का, जिन्होंने हमें वोट डाला, उनका तो मैं बहुत दिल से तन मन से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं डाला, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा नियत, काम करने की नियत है, 5 साल इंशाअल्लाह हम वार्ड नंबर 10 के लोगों के एक जैसा नगर सेवक रहता वो लेवल पे हम रह के काम नहीं करेंगे। ग्राउंड पे जैसा एक वर्कर आदमी काम करता है, हम वो लेवल पे काम करने की हमारी नीयत है इंशाल्लाह। और ये पाठिमे का जो सवाल है कि हम किस पार्टी को पाठिमा देंगे, मशवरा करेंगे कि हमारा काम, हमारे वार्ड का काम कौन सी पार्टी अच्छा कर सकती, उनसे हम मालूमात लेके, उनकी राय लेके हम कोई भी पार्टी को पाठिमा देंगे। अगर ये लोग बोले कांग्रेस को पाठिमा देंगे, तो हम अशोक चौहान साहब के साथ हमारे मोहल्ले के 10 से 15 मोतेबा लोगों को ले जाके साहब से बात करके हम पाठिमा देंगे साहब के पास। उसके बाद हम अगर कोई और पार्टी को बोले, अगर हमारे महल्ले के लोग जो सीनियर लोग हैं, जिनके मैंने नाम बताया, और भी कुछ लोग हैं, अगर वो लोगों ने बोले कोई और अदर पार्टी से अपने महल्ले का फ़ायदा हो सकता है, विकास के काम हो सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह वो पार्टी को पाठिमा देंगे। हम पार्टी में का अभी किसी को वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा को जो वोट दिया ये महल्ले ने दिया, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो लोगों से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ वार्ड नंबर 10 के लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए वोट डाला, हमारे लिए दुआ की। मैं हमारे माँ बहनों के लिए सलाम भेजता हूँ, हमारे भाइयों के लिए सलाम भेजता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।